तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्स्टर वर्स के दो ऐसे गॉडजिला के बारे में जिसके आगे किसी भी काइजू का टिक पाना नामुमकिन है। ये लड़ाई है दो ऐसे मॉन्स्टर्स के बीच जिसमें एक को तो धरती का रक्षक माना जाता है तो दूसरा लोगों को ही मिटाना चाहता है। ये लड़ाई है लेजेंडरी गॉडजिला और गॉडजिला अर्थ के बीच। तो उम्मीद है इस वीडियो का आप अंत तक आनंद लेने वाले हैं। अगर बात करें लेजेंडरी गॉडजिला की तो साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अनुसार ये 120 फीट या 394 फीट ऊंचा है। वहीं इसका वजन 99,000 टन का है। ऐसा माना जाता है कि लेजेंडरी गॉडजिला समुद्र की गहराई में रहने वाला एक प्रीहिस्ट्रिक जीव था जिसने जियोथर्मल रेडिएशन और प्राकृतिक विकरण के कारण इसमें म्यूटेशन हुई जिसके बाद ये बना एक सामान्य से जीव से सभी मॉन्स्टर्स का राजा। गॉडजिला को बड़े पर्दे पर साल 2014, 2019 और 2021 में दिखाया गया जिसमें गॉडजिला ने म्यूटो, किंग गिदोरा और मेका गॉडजिला जैसे दुश्मनों को धूल चटाया। लेकिन किंग गिदोरा से लड़ाई के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब और मोथरा द्वारा दिए गए लाइट एनर्जी के कारण इसमें काफी बदलाव हुआ और इसी बदलाव के कारण इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है बर्निंग गॉडजिला में जिसकी मदद से ये किंग गिदोरा को हरा पाता है। वहीं अगर हम बात करें गॉडजिला अर्थ की तो इसे छोटे पर्दों यानी 3 एनिमेटेड मूवी में दिखाया जा चुका है जिसे अब तक का सबसे विशाल गॉडजिला बताया जाता है। और एक औसतन आकार की बात करें तो गॉडजिला अर्थ की ऊंचाई 300 मीटर या 984 फीट और इसका वजन 1,00,000 टन से भी अधिक है। गॉडजिला अर्थ की भी उत्पत्ति लेजेंडरी गॉडजिला की भांति हुई थी लेकिन इसके मॉन्स्टर बनने की कहानी शुरू हुई साल 1999 से जब दुनिया भर के मॉन्स्टर धरती पर आकर तबाही मचाने लगते हैं, जैसा कि हमें गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में भी देखने को मिला था। लेकिन इसमें गॉडजिला अर्थ धरती की रक्षा करने के बजाय यहाँ के जीवन को नष्ट करना चाहता है जिस वजह से लोगों को उस धरती को छोड़कर जाना पड़ता है। सभी लोग अंतरिक्ष में कुल 20 सालों तक नए धरती की तलाश करते हैं जिसके लिए उन्हें 11 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करनी पड़ती है, पर उचित प्लेनेट न मिलने की वजह से इंसानों को वर्म होल के सहारे पुराने धरती पर ही वापस आना पड़ता है। लेकिन सभी लोग हैरान तो तब हो जाते हैं जब उस धरती में 10,000 साल बीत चुके थे और ये धरती पहले की तरह न होकर मॉन्स्टर का अर्थ बन चुका था जहाँ पर गॉडजिला जैसे कई जीव उत्पन्न हो चुके थे और पेड़ पौधे भी किसी धातु यानी मेटल की तरह सख्त हो चुके थे। और इसके पीछे की वजह थी गॉडजिला अर्थ, क्योंकि उसने पूरी धरती को ही अपने इच्छा अनुसार ढाल लिया था। हालांकि सामान्यतः दूसरे जीव धरती के अनुसार बदलते हैं, पर अर्थ को ही बदल देने वाले गॉडजिला को हम गॉडजिला अर्थ के नाम से भी जानते हैं। धरती को अपने अनुसार बदलने के बाद गॉडजिला भी धीरे धीरे काफी शक्तिशाली बनता जाता है और साल 2030 में वो सर्वशक्तिमान बन जाता है। अगर हम दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो एक लेजेंडरी गॉडजिला काफी विशाल काइजू है और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर इसने कई काइजूस को हार का स्वाद चखाया है, चाहे वो मेल म्यूटो को धक्का देना हो या किंग गिदोरा जैसे मॉन्स्टर से भिड़ना हो। पर ताकत के साथ साथ इसमें लाजवाब की फुर्ती पाई जाती है जिस कारण ये 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। वहीं गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसे अमर कहा जाता है क्योंकि मानव के आधुनिक हथियार तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए थे। इसके अलावा किंग गिदोरा का ग्रेविटी बीम भी इसे नहीं मार पाई थी। ताकत बढ़ाने के लिए गॉडजिला हजारों सालों से धरती की ऊर्जा को सोख रहा है और इसी वजह से ये खुद को हील भी कर सकता है। यहाँ तक कि जब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के कारण गॉडजिला लगभग मरने ही वाला था तब न्यूक्लियर ब्लास्ट के चलते गॉडजिला पूरी तरह से हील होने के साथ साथ काफी शक्तिशाली भी बन जाता है। लेजेंडरी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से तो आप जरूर परिचित होंगे, खासकर जब इसने म्यूटो को मार डाला था। वहीं गॉडजिला में न्यूक्लियर पल्स की एबिलिटी कमाल की है क्योंकि इसी एबिलिटी के चलते इसने किंग गिदोरा को मार दिया था। वहीं अगर हम बात करें गॉडजिला अर्थ के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो गॉडजिला अर्थ के पास है एटॉमिक ब्रेथ की शक्ति जिसकी मदद से यह हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ सकता है। लेकिन इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ पहले वाले गॉडजिला के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये इतना शक्तिशाली है जो अर्थ में रहकर ही पूरे स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं इसके पास है एक और एबिलिटी जिसे हम सुपर ऑसिलेटरी वेब के नाम से जानते हैं, जिसकी मदद से सिर्फ चिल्लाने मात्र से ही ये टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है और इसी वेब के सहारे इसने सिप्स को तबाह कर दिया था।
पर इसकी एबिलिटीज सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके प्लाज्मा कटर एबिलिटी की बात करें तो ये अपने पूंछ से एक प्रकार की चिंगारी निकाल सकता है जिसकी रफ्तार ध्वनि से 4 गुना ज्यादा और 600 मीटर की रेंज तक होती है, और प्लाज्मा कटर से टकराने वाले चीजों का राख में तब्दील होना तय होता है। गॉडजिला अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की बात करें तो म्यूटो की ही तरह गॉडजिला अर्थ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़कर वो आसपास की इलेक्ट्रिक डिवाइस को बंद कर सकता है और यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है, और अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बनाकर खुद को कई शक्तिशाली हथियारों से भी बचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी मेटालिक टिश्यू इसे किसी भी प्रकार के खतरनाक हथियार से बचाती है, और अगर किसी तरह से इसे एक खरोज भी आ जाए तो रीजनरेशन की एबिलिटी से ये खुद को क्षणभर में ही हील कर सकते हैं, यानी इस पर वार करना व्यर्थ है। पर गॉडजिला अर्थ की एबिलिटीज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके पास एनर्जी कन्वर्जन की क्षमता है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है, और इसमें मौजूद स्टेल्थ की एबिलिटी से ये रेडियो वेव को सोख सकता है। ऐसे में रडार में भी इसे देख पाना नामुमकिन है। सेल डिविजन की क्षमता से ये खुद के अंगों से ही कई जीव बना सकता है। और भी ऐसे कई खूबियां हैं जो इसे गॉड तो नहीं पर उतने लेवल पर जरूर पहुंचा देती है। वहीं दोनों की कमियों की बात करें तो लेजेंडरी गॉडजिला की गिल्स, म्यूटोज और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर इसे काफी कमजोर बनाती है। वहीं गॉडजिला अर्थ की कमजोरियों में शामिल है मोथरा और एंटी गॉडजिला वेपन, जिसके अलावे गॉडजिला अर्थ का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे कंडीशन में अगर दोनों मॉन्स्टर्स की लड़ाई होती तो गॉडजिला अर्थ को जीतने से कोई रोक नहीं पाता। भले ही लेजेंडरी गॉडजिला सेवियर हो, पर दुख के साथ ये कहना पड़ता है पर गॉडजिला अर्थ के आगे उन्हें घुटने टेक नहीं पड़ते। खैर, इस पर आप अपना सुझाव हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।